हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड सभी टाइप्स के जो ट्राइंगल्स आपके पास हैं उन सभी का एरियाज और हम लोग कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ों पे बात करेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, कुछ नई चीज़ें जरूर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है हमारा, पहले हम लोग ट्राइंगल को देख लेते हैं। देखिए, आप कुछ चीज़ें पहले एक बार देख लीजिए, फिर बहुत आप लोगों को आसानी हो जाएगा। जो हमारा ट्रायंगल है जिसको हम लोग त्रिभुज कह रहे हैं, ठीक है ना, त्रिभुज जिसको कह रहे हैं, त्रि का मतलब क्या हो गया तीन और भुज का मतलब हो गया साइड्स, मतलब एक ऐसा आकृति, एक ऐसा शेप जिसमें थ्री साइड्स हो, तीन भुजाएं हो, वो कहलाता है आपका त्रिभुज, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका ट्रायंगल होता है वो कुछ टाइप्स में इसको भी हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो कैसे डिवाइड किए हैं, तो पहली दृष्टि जो हमारी है वो है बाय साइड, ठीक है ना, बाय साइड। और दूसरे के लिए हम लोग कह सकते हैं बाय एंगल, ठीक है। स्पेलिंग देखिएगा, एक होता है ए एन जी ई एल, ये हो जाता है एंजल, ठीक है ना, इसको जैसे परी बोलते हैं, तो ये एंगल है, एल के बाद ई है, ठीक है। तो जब हम वो बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, बाई साइड एंड बाई एंगल। बाई साइड की अगर हम लोग बात करें तो बाई साइड हम लोग ट्राइंगल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक को हम लोग कहते हैं, देखिएगा जरा सा, जो पहला टाइप का ट्राइंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वीलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्वीलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा जो होता है आपके पास वो हमारा होता है आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो होता है ये हमारे पास हम इसको कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल हैं बाई साइड। लेकिन साइमल्टेनियसली जब हम लोग बाई एंगल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा टाइप का कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और जो हमारा थर्ड टाइप है वो कहलाता है राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। ये तीन इस इधर आप देख रहे हैं और ये तीन इधर है। अब चल इस पर बात करते हैं कि ये क्या है और इसके एरियाज कैसे डिफर कर जाता है। देखिएगा, इक्वीलेटरल ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, हिंदी में हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होता है आपस में बराबर होती है, ठीक है। एन इक्वीलेटरल ट्राइंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्वीलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों इक्वल साइड होता है, इतना याद रखिएगा, समबाहु, क्लियर है। आइसोसेलस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है आइसोसेलस ट्राइंगल। मतलब नाम से ही क्लियर है कि इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये है आइसोसेलस ट्राइंगल, क्लियर है। आइसोसेलस में दो भुजाएं, ये बराबर हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये और ये हो सकता है। इक्विलेटरल में क्या है, तीनों बराबर होना है, ठीक है, ये कंडीशन है। एक होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल का मतलब हुआ विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में हम लोग शब्द यूज करते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु, एक ये कोई राक्षस का नाम नहीं है, ये एक त्रिभुज का टाइप्स होता है, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, क्लियर है। इसमें क्या होगा, ये और ये तीनों अलग होता है, तीनों ही अलग होता है। ये कुछ, ये इसका जो साइड है कुछ हो, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो गया स्केलेन ट्राइंगल। दो सेम है आइसोसेलस, तीनों सेम है इक्वीलेटरल ट्राइंगल, क्लियर है। अब जरा बात कर लें बाई एंगल के हिसाब से, अगर हम देखें तो कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। तो पहला होता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल आप लोग सब जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो क्या क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज में क्या हो, अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, न्यूनकोण जिसको बोलते हैं,
मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ऑल द साइड्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री हो, जिस भी ट्राइंगल में हो जाए, मान लीजिए ये कुछ है 90 से कम, ये 90 से कम, ये 90 से कम, तो वैसा एंगल हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा, जिसको बोलते हैं अधिक कोण, जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एक एंगल क्या होगा, एक एंगल उसमें क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से अधिक का होगा, वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। मान लेते हैं एक है 120 डिग्री का, ठीक है, तो बचा कितना आपका 60 डिग्री बच रहा है, हो सकता है एक 30 का हो जाए, या एक हो सकता है 30 का हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ट्राइंगल, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो अधिक कोण कहलाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ये कुछ खास है नहीं, इस पे आपको फोकस करना है, इसके एरिया पे हम जब बात करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे सब बदल जाएगा। कैसे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जब हम एरिया पे बात करते हैं, तो अगर हम कोई आपसे पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताइए, ठीक है, एरिया, तो आप क्या कह सकते हैं, आप पढ़ रखे होंगे कि √3/4a² ठीक है, ये होता है, लेकिन ये कहाँ से आया, ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। चलिए इस पर हम लोग ज़रा बात करेंगे अभी डिटेल में, ये फॉर्मूला कैसे बना है, और मैं आप लोगों को लिंक करके दिखाऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक का हम लोग यूज़ करेंगे और ये फार्मूला निकल के आएगा। जी हाँ, देखिए कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाँ, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसको बोलते हैं आधार गुनी ऊंचाई, बेस इनटू हाइट को आधा कर दीजिए, इनटू मतलब दोनों को गुना करके आधा कर दीजिए, एरिया निकल गया। अब इसी पे हम लोग ये वाला चीज़ डिराइव करेंगे, कैसे, देखिए ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, जरा पहले इसको इरेज में कर देता हूँ, क्लियर, स्पेस हम लोग के पास बन जाएगा, बस एक ट्राइंगल है, और ये कैसा ट्राइंगल है, ये है समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर के लिए है, ये साइड है, ये भी साइड हमारा 3 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंगल है आप मान लीजिए 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है, और ये भी हमारा बाय द वे 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इतना तो क्लियर है ना। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी पता होता है कि कभी भी हम लोग को अगर एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग करके निकाल लेते हैं, ठीक है, तो चलिए इसी पर हम लोग और थोड़ा डिस्कस कर लें। अब जरा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये आपका एक साइड है, क्लियर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक मैं फ्रेस बना देता हूँ यहाँ पर, अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये ट्राइंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इतना तो क्लियर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये 3 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे समझिए, हमको लिखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, तो हाफ हम लोग लिख लेते हैं, चलिए हाफ इंटू बेस आपका क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, हमको निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर आपके पास हाइट निकल जाए तो फार्मूला सेट कर सकते हैं, लेकिन हाइट निकालेंगे कैसे, तो इसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे। ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग पी और एच में जब रिलेशन देखते हैं तो कौन सा हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, पी और एच में, तो साइन का यूज़ करते हैं, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा क्या होगा, हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका साइड है, जो भी आपका साइड है, ठीक है ना, साइड जो है उसको हम लोग साइन 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया, जैसे हम लोग, मैं आपसे कहता हूँ साइन 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच, क्लियर है, हमको निकालना है साइन 60 डिग्री का रूट वैल्यू कितना होता है, √3/2, हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालने का नीड है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर निकालने का नीड है, हाइपोटेन्यूस है कितना 3, यार इसको सॉल्व कर लीजिए, तो √3 ये कितना हो जाएगा,
थ्री रूट थ्री और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू टू। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम और थोड़ा सा क्लियर करें तो क्या निकल के आ रहा है, पी इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाई टू, ये चीज़ निकल के आ गया। तो हम लोग बेस तो हमारा कितना था, बेस कितना था 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितना निकल के आ गया, थ्री रूट थ्री बाई टू निकल के आ गया। अब ज़रा देखिए ये थ्री और ये थ्री कितना हो जा रहा है, नाइन रूट थ्री, और नीचे में कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं ये जो हमारा नाइन आया है, ध्यान समझिए, ये एक हमारा जो साइड था वो थ्री था तो नाइन आया है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं रूट थ्री बाई फोर। यहाँ से आप देखिए रूट थ्री बाई फोर हम लिख सकते हैं और ए का स्क्वायर कर देंगे, मतलब थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो नाइन आ जा रहा है। तो ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला। अब जरा हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल है उसका फार्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। पहले देखिए मैथ्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होता इसलिए दिक्कत होता है। ये अब हम लोग दूसरा नंबर का जो हमारा ट्रायंगल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेलस ट्रायंगल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इस पर जरा सा कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके एरिया को हम लोग समझते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि दो साइड्स इसमें इक्वल होता है और दो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर अगर है और ये 4 सेंटीमीटर है तो दोनों बराबर होता है, ये बेसिकली इसमें होता है। कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइट तो है नहीं ना, ये जो हाइट है हमारा परपेंडिकुलर ये है नहीं, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पी हमारे पास दिया गया नहीं है, हम लोगों को पी निकालना है, तो पी यहाँ पे रख देते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से बेस का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, इसी फार्मूला से ये बना। अब देखिएगा हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 4 सेंटीमीटर है या फिर जो भी वैल्यू है मान लेते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर, अच्छा ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ जो बेस है आपके पास, ये जो बेस दिख रहा है पूरा, ये मान लेते हैं बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, बेस का आधा, तो एच है कितना आपका, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, साइड को ए मान लेते हैं, ए तो हम बोल सकते हैं ए का स्क्वायर, और बी क्या है, तो बी का स्क्वायर और नीचे में टू था इसलिए हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से रूट टू हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये है साइड आपका हाइपोटेन्यूज जिसको बोल रहे हैं, और ये बेस है जो आधा बेस है, और नीचे में ये 2 था आधा था इसलिए, और यहाँ पे स्क्वायर टाइम्स किया तो 4 आ गया। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हाफ इंटू बेस इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर बाई 4, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला जो टाइप है उसको ज़रा देखिए, बाद हमारा फाइनली बचता है लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्केलिन ट्रायंगल, जिसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जा रहा है। ठीक है ना, अब इसको ज़रा समझिएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए इसका प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें सभी साइड्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, सभी साइड अलग अलग होता है। मान लें ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ये 2 है, तो ये 4 है, तो ये 8, सब अलग अलग होता है। अब फिर से बात कर लें कि एरिया कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर अलग अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो इसी के लिए हम लोग एक अपनी 9th क्लास में पढ़ रखा होगा जिसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल निकालने के लिए यूज़ होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर जहाँ पर ये जो आपका एस है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, 2, 4 और 8 को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए तो एस का वैल्यू निकल जाएगा,
उसके बाद एस के प्लेस पे एस रखिए, ए के प्लेस पे ए का वैल्यू, बी के प्लेस पे बी का वैल्यू और सी के प्लेस पे सी का वैल्यू रखिए, तो आपका ये जो टाइप है ट्रायंगल का, स्केलियन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ ये है कि जितना टाइप्स का ट्रायंगल है सबको हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, सबके लिए अलग अलग फार्मूला है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग लगे हाथों बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जो चार नंबर पे हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या मज़ेदार चीज़ है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एरिया अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो सारा चीज़ आपके पास दिया गया होता है, एक हाइट है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो बेस भी है हाइट भी है। नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ट्रायंगल्स रिलेटेड। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फार्मूला कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। टेंथ क्लास में जितना भी आपका बेसिक फार्मूलाज हैं और एडवांस तक हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ फार्मूला सेपरेट वीडियो में। तो आप उम्मीद करिए कि अगला वीडियो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।